इस अमेजिंग सी दिखने वाली चीज को हम बोलते हैं स्लिंकी स्प्रिंग। इससे आपने हर बच्चों को कभी ना कभी खेलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन इस चीज से हम फिजिक्स से काफी सारी चीजों को भी सीख सकते हैं और इससे हम काफी ज्यादा अमेजिंग सी ट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलो सीखना शुरू करते हैं। लेकिन हम ऐसे ही किसी भी एडवांस ट्रिक को डायरेक्टली नहीं सीख सकते, इससे पहले हमको कुछ बेसिक ट्रिक को सीखना बहुत जरूरी है। वैसे तो अभी मेरे पास ये रेनबो वाला और ये ग्रीन वाला स्लिंकी स्प्रिंग है, लेकिन मार्केट में और भी तरीके के स्प्रिंग्स आते हैं, जैसे बड़ा वाला, स्मॉल वाला, मेटल वाला और भी बहुत सारे। तो चलो हम अब सबसे पहली वाली ट्रिक को सीखते हैं जिसका नाम है डाउनस्टेयर्स। तो इस वाली ट्रिक के लिए सबसे पहले हमको स्लिंकी स्प्रिंग को सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर रखना होगा और धक्का देना होगा, उसके बाद वो आराम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते बैक फ्लिप खाते हुए नीचे पहुंच जाएगा। तो चलो अब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या एक्चुअली में ऐसा होता भी है। तो फिर मैं अपने घर के बगल वाली सीढ़ी पर गया और वहां प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते समय मेरे को ये समझ में आया कि स्लिंकी स्प्रिंग को काफी धीरे भी नहीं और बहुत ज्यादा भी थ्रो नहीं करना है, नहीं तो स्लिंकी स्प्रिंग किसी के भी घर में घुस जाएगा। फिर मैं वैसे ही हल्के हाथों से बार बार प्रैक्टिस करता रहा। लगभग 20 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद ये मुझसे बहुत ही ज्यादा स्मूथली होने लगा। इसको तो ट्रिक बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसको तो सीखना ही नहीं पड़ा, लेकिन कुछ भी बोलो यार, ये दूर से देखने में काफी सही लगता है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ जिसका नाम है बेबी एनर्जी बीम, जो कुछ इस तरीके का दिखता है और मुझे लगता है कि हम इसे तो एक ही बार में आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले इस वाली ट्रिक के लिए 3 लूप इस हाथ से और 3 लूप इस हाथ से पकड़कर कुछ इस तरीके से रखना होगा और ऊपर नीचे करना होगा। हाँ यार, मैं इसे पहली ही बार में काफी ज्यादा इजीली कर पा रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस तो छोड़ो, आप जब अपने हाथ में इसको पहली बार पकड़ोगे तो अपने आप ये वाली ट्रिक करने लगोगे और करते ही जाओगे, क्योंकि ये वाली ट्रिक अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है। और इसकी आवाज़, भाई साहब इसके तो क्या ही कहने, ये सुनो। और इसको करते रहने में काफी ज्यादा मजा आता है यार, वो बोलते हैं ना ASMR, सेम वही वाली फीलिंग है यार, इसीलिए मैं इसे बार बार लगातार करते ही रहा। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ जिसका नाम है एनर्जी बीम, जो सेकंड वाली ट्रिक का बड़ा भाई है, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये वाली ट्रिक थोड़ी हार्ड है, पर हम इसको पकड़ने की पोजीशन और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद काफी ज्यादा इजीली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाली ट्रिक के लिए आपको 3 लूप राइट हैंड साइड से, 3 लूप लेफ्ट हैंड साइड से पकड़कर शोल्डर की इतना डिस्टेंस लेकर इसके बाद राइट हैंड साइड से झटके से पुल करना होगा। जब वेव बाउंस ऑफ होकर लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाती है तब लेफ्ट हैंड साइड से पुल करना होगा, और ऐसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। अब इसी प्रोसेस को अपने को बार बार रिपीट करना होगा जब तक हमको इसका अंदाजा नहीं हो जाता। तो फिर मैं भी वैसे ही प्रैक्टिस करता गया, ट्यूटोरियल देखकर प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा आसानी होती है सीखने के लिए, तो आप भी वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस वाली ट्रिक को प्रैक्टिस करते समय सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि दोनों हाथों की डिस्टेंस ज्यादा पास या फिर ज्यादा दूर नहीं रखना है, नहीं तो स्लिंकी स्प्रिंग उलझ भी सकती है। इस वजह से मैं नॉर्मल डिस्टेंस रखते हुए प्रैक्टिस करने लगा। अब लगभग 30 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद ये ट्रिक थोड़ी बहुत उस जैसी दिख रही है, पर इस मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए मैंने 10 मिनट का ब्रेक लेकर फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब मेरे को परफेक्ट अंदाजा लग चुका है कि एग्जैक्ट किस समय पर कौन से हाथ से खींचना होगा, तो अब ये वाली ट्रिक फाइनली बहुत ज्यादा स्मूथ दिख रही है। स्लिंकी स्प्रिंग मतलब सेटिस्फाइंग भाई, इसको प्रैक्टिस करते रहो या देखते रहो, दोनों में ही मजा आ जाता है। आई होप आप इन तीनों ट्रिक को एक ही घंटे के अंदर बहुत ही ज्यादा आसानी से सीख जाओगे, और सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहना जिसमें काफी ज्यादा एडवांस ट्रिक्स होने वाली है। हाँ, और अब भी कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वाली वीडियो किस स्किल पे चाहिए। ओके बाय।